आदरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार, प्राइम टाइम लाइव में स्वागत करै छी। आई फोरम नेपाल जे अखन काज कर रहल छै, केन्द्र में होय या प्रदेश में होय, फोरम नेपाल की कर रहल छै। विशेष कऽ कऽ बात करी तऽ केन्द्र में फोरम नेपाल सरकार में छै। पछिला समय में जे नियुक्ति सब भऽ रहल छै ततऽ कतौ ने कतौ एकटा विरोधाभास बात सब सेहो आबि रहल छै कि जे मधेश के मुद्दा समटा वाला व्यक्ति सब नियुक्ति नहि पाबि रहल छै, ओहि इतर के व्यक्ति सब नियुक्ति पाबि रहल छै, ई सब किया भऽ रहल छै? संविधान संशोधन के बात कतऽ गेलै? या पछिला समय बात करी तऽ दू नंबर प्रदेश में अखन जातिवाद जे पछिला एकटा घटना भेलै यऽ, सचिव आ मंत्री के बीच जे एकटा हाथपात के बात जे भेलै यऽ, ताहि पर एकटा जातिवाद सेहो हावी भऽ गेल छै। एहिमे फोरम नेपाल के दृष्टिकोण की छै तऽ अही सब विषय में बातचीत कर जा रहा है। एकर लेल स्टूडियो में आई बजौने छे संजय कुमार यादव के, ओ फोरम नेपाल के प्रदेश नंबर दू के सांसद छथि। सबसे पहले हुनका स्वागत करै छी। अपने के स्वागत छै। धन्यवाद। पहले प्रदेश नंबर दू के बात करी। सचिव अपने के पार्टी, सचिव कहली मंत्री अपने के पार्टी के छै, सचिव पर हाथपात भेलै, आई घटना के अपने कोन रूप में लड़ल छी? देखल जाए हाथपात भेलै घटना टोटली अपने के पूर्ण रूपेण षड्यंत्र के तहत ओहि घटना के उजागर कर गेल छै। कोनो किसिम से सब सचिव के ऊपर कोई हाथपात नहीं भेले। अपने देखल होबै जे घटना के प्रकृति देखबै, घटना के विवरण देखबै, घटना क्रम के सूक्ष्म तरीका से अध्ययन करबै, तो अपने के स्पष्ट हो जाते कि कोनो किसिम के हाथपात नहीं भेले। दुई नंबर प्रदेश खास करके मधेश के बदनाम करे के, संहिता के असफल करे के लेल देश में जते भी परिवर्तन अलै, संहिता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता, समानुपातिक प्रतिनिधित्व, आरक्षण लगात के जते भी उपलब्धि हलै, उपलब्धि के समाप्त करके राज्य द्वारा सुनियोजित जे षड्यंत्र चल रहल छै तै कड़ी के रूप में जे सचिव प्रकरण के जते बड़का स्पेस मिललै मीडिया में, जे हिसाब से प्रोपोगंडा के रूप में इस षड्यंत्र के रूप में एकरा अगाड़ी बढ़ाल गेलै, बिल्कुले सचिव के ऊपर कोनो हाथपात नहीं भेल छै। एकरा ई दुई नंबर प्रदेश के असफल करे के लेल, संहिता के असफल करे के लेल एगो ग्रैंड डिजाइन के तहत एहि प्रोपोगंडा के अगाड़ी बढ़ाल गेलै। मतलब अपने कह रहा छी प्रोपोगंडा? जी जी एकदम, एकर तथ्य दे छी हम अपने ध्यान से देखबै। सचिव जी के पिछला एक हफ्ता के विवरण देखबै, शनिवार के दिन सचिव जी स्वयं अर्थमंत्री जी के फोन कलकै, बारंबार फोन आयल छै, अपने फोन रिकॉर्ड देखबै। अर्थमंत्री जी से बात भेलै, भेटे के समय मंगलथिन, अर्थमंत्री जी के बैठक रहै, अर्थमंत्री जी उनका समय नहीं देलकै। समय नहीं देला के बाद फिर से बैठक कलकै, तो अर्थमंत्री जी कहलकै अपने कार्यालय के समय में फलाना दिन आयम से कह के उनका समय दिल गेलै। वही बीच में उनकर मैसेज आयल है, अपने देखले होबे कि सॉरी कह के हम अपने के बार बार डिस्टर्ब कैली, अपने उनकर निरंतर कॉल आ गेल है। वही क्रम में जब वही समय में जाके जब चेम्बर में सचिव जी गेले, चेम्बर में पहले से अर्थमंत्री जी, सभामुख जी, प्रदेश सभा सांसद उपेंद्र महतो जी लगात के लोग वही में पहले से उपस्थित रहे, उनका सबके पहले से मीटिंग चलित रहे। अर्थमंत्री जी कहलकै सचिव जी के कि अब सचिव जी गेले सीधे बैठ रहले बगल के सभामुख जी के बगल के बगल के कुर्सी पर जाके बैठ रहले, तब मंत्री जी कहलकै सचिव जी परिचय कैल जाए, सभामुख जी छथिन, प्रदेश सभा सांसद छथिन। कोनो कटसी मेंटेन नहीं भेलै, सामान्य कष्टी शिष्टाचार होइ छै एगो नेपाल सरकार के कर्मचारी और संबंधित मंत्रालय के मंत्री के बीच में, संबंधित प्रदेश के सभामुख जी के बीच में जे कटसी है छै, जे शिष्टाचार है, कोनो मेंटेन नहीं कल गेलै। ताहि के बाद अर्थमंत्री जी कहलकै हमरा सबके कनी एकटा महत्वपूर्ण बातचीत करे के है, सचिव जी जायल जाए से अपने कुछ देर वेटिंग रूम में बैठल जाए। 10 मिनट के भीतरे में फिर सचिव जी पैसले उनकर प्रवेश भेलै रूम में कि मंत्री जी हम बहुत व्यस्त छी, हमरा जाय दियो। तो सचिव जी मंत्री जी कहलथिन कि ठीक है आई जाऊ, वहाँ आई जाओ। दोसर दिन आयल, सचिव जी स्वयं अपने वही जगह फाइल लायल रहे, फाइल पटक दल के टेबल पर, फाइल पटक दल के टेबल पूरा झंडा, नेपाल के झंडा रहे टेबल पर, प्रत्यक्षदर्शी के बात करी छी, झंडा गिर गेले वही जगह, सब चीज फाइले मंत्री जी के टेबल पर पटक दल के एकदम, उनकर मनोवृत्ति मानसिक स्थिति तखन ती पूरा एबनॉर्मल देखाई दे। अपने देखल भाई तो वही बीच में संवाद भले उनका कल के अपने जाके बाहर बाहर बैठू, एकदम स्ट्रिक्टली कल के अपने जाके रूम में बैठू, अब नहीं तो आई नहीं है तो दूसरा दिन समय लेके जाओ। सचिव जी बाहर निकल ले, 2-3 मिनट के बीच के दरमियान होते कितने बड़का षड्यंत्र रही से देखबे,
वही दू तीन मिनट के सचिव जी और मंत्री जी के कार्यकक्ष और वही जगह के सीढ़ी बाहर के रूम के दूरी एको मिनट के दूरी नहीं, उतने देर में दर्जन भर मीडिया युवा उपस्थित रहे। दर्जन भर मीडिया के बीच में जते अभद्रता जते नीच स्तर के व्यवहार प्रस्तुत भेले सचिव जी से बड़ा निंदनीय है, दुर्भाग्यपूर्ण है। एगो नेपाल सरकार के ऊंच ओहदा के कर्मचारी रहल अपने ध्यान दे सुनल जाए, वही स्तर के शब्द के प्रयोग होइ छै, वही स्तर के व्यवहार के प्रयोग होइ छै, वही स्तर के जे वातावरण निर्माण करै छै टोटली षड्यंत्रपूर्ण तरीका से उनका प्रयोग कयल गेलै। कतौ से अपने जे शिष्टाचार के बात करिए त मंत्री ल सभामुख भेट जेनाय एकरा कोन रूप में लड़ल छै, ओ जे बहुते बात सब ले जेना अपने के शिष्टाचार के बात के लिए सचिव शिष्टाचार के पालना नहि केलकै नहि ओ जब सभामुख संगे बैस गेले जना अपने कह रहल छी सभामुख गेले मंत्री के भेट जी मंत्री के भेट के बात नहीं छे, ओ त ओही प्रदेश में अखन हमरा सब के 21 गते प्रदेश सभा के वार्षिक उत्सव एक वर्ष बीतल जा रहल है, विभिन्न कार्यक्रम सब संचालन कर के है, ओही विषय में ओते छलफल रहे सभामुख जी व्यक्तिगत तौर पर मंत्री जी से भेट कर गेल रही, व्यक्तिगत हिसाब से संबंध व्यक्तिगत संबंध भी है छी, ओही हिसाब से कोनो ऑफिशियली सभामुख जी शिष्टाचार तोड़ के मंत्री जी तर गेल नहीं, सभामुख जी या मंत्री जी के बीच के भेट बात नहीं, पद में छै पद में छै एकदम पद में तो सम्मानित लोग छत हमरा सब के सदन के सर्वोच्च लोग छत सभामुख जी, ओहिमे कोनो दू एकदम सम्मानित लोग छत, ओहिमे कोनो हिसाब से मंत्री जी और सभामुख जी के बीच में बात शिष्टाचार भेट घाट है शिष्टाचार जरा प्रत्यक्षदर्शी के बात के लिए प्रत्यक्षदर्शी सब तक किस घंटा तक तो मोबाइल ऑफ कर दिल के सेहो देखल गेले जना प्रत्यक्षदर्शी के बात करी सभामुख के बात हुए या सांसद के बात हुए तो हिनका सब के तो मोबाइल किस घंटा तक ऑफ रहे तखनी स्टेटमेंट आले अपने के जब रिएक्शन मीडिया में जे बात नहीं आले किस घंटा के बाद आले जी तो मीडिया में बात आले उस समय ने घटना रहे उस सब नॉर्मली ले ले रहे कुछो भेल ही नहीं रहे। अच्छा ए तो भेले एक बात एकर अनुसंधान भ रहल छे समिति एकटा बनाओल गेल छे प्रदेश समिति बनाओल गेल छे गृह मंत्री जी के संयोजकत्व में मुख्य सचिव जी लगात एकटा और सचिव साथ में मैं देल के वो पूरा भ गेले आप शायद एकर जी तुरंत सार्वजनिक हो रहल छे जी अब अंतिम चरण में छे उ अपने के तुरंत सार्वजनिक हो गया तथ्य परक यथार्थ परक वास्तविक जे सही सत्य तथ्य बाहर जी अब पिटल के यानी पिटल के की भेले एकर बात तो एते ई जे समिति गठन भेल छै ने एकर कार्यदेश की छै जना बात एले कि घटना के छानबीन करे के लेल जना क सचिव स जे बात सब एले मीडिया में जे ओ दिन बाजल गेले जी जी मतलब बहुत और बात है दुटा बात से लिखा मतलब दुटा एक देख पड़े एक कता देख पड़े पीटपाट भले से बात नहीं आ दोसर बात और जो निकल बात सब भ्रष्टाचार के बात सब अनियमितता के बात सब जो निकल रही है तो अई पर अपने के धारणा की छे देखल जाए केहन अनियमितता दूटा बात अपने देखने होगी सचिव जी के अभिव्यक्ति देखियो सचिव जी कहल कि बाप रे बाप हमरा कहलक फलाना संस्था के अब ओकरा उनका एनजीओ के रख देबे के बाहर वो अभिव्यक्ति देलकै ना उनका इहो मालूम न रहे ठीक है एनजीओ कहने रहे तो कौन एनजीओ कहने रहे पांच दिन के देखो कहल के ने डायरी हमर भीतर में छै तै दुआरे हम नाम रे मजे जी डायरी भीतर में छै अहां के एनजीओ में बारंबार कोनो व्यक्ति दबाव देलक एनजीओ फलाना एनजीओ के रख दियो तो एनजीओ के नाम हेतै एनजीओ में रकम रख के लेल एनजीओ पांच दिन के बाद उनका फाइंड आउट भेलै पांच दिन लगले उनका एनजीओ के नाम सार्वजनिक करे में ध्यान देल जेतै कोन एनजीओ एनजीओ नहीं है उनकर बात एकटा ई अलै कि अलै बाहर निकलते अपने उनकर रिकॉर्डिंग सुनबी त एकटा बात कहल कि हमर त जिंदगी खत्म हो गेल उ फाइल ओत चल गेल फाइल हमरा कहनो देबाउ फाइल जो अपने फेंक देलकै उनका में एते अविचलन कहाँ आ गेलै मनोवृत्ति जे मानसिक स्थिति एकदम बिगड़ल देखाई दे कि हम फाइल दे देली फाइल में सचिव जी के बदमाशी कहने है या कितने गड़बड़ है जगह पर कि फाइल के जरिए उनका लागल कि सारा चीज हमर खत्म हो जात हमर सब चीज चल गेल फाइल में हमर तो जिंदगी चल जात की है फाइल में उ फाइल प्रदेश सरकार के जिम्मेवारी ही अनुसंधान कर के लेल जे समिति बनल है एक घटना के तथ्य छानबीन कर जे अभिव्यक्ति जे भ्रष्टाचार के विषय में जे अभिव्यक्ति अले तै पर की कहबे यहां प्रदेश सरकार जीरो जीरो टॉलरेंस में चल रहल छै हमर मुख्यमंत्री जी प्रदेश सरकार एकदम जना आरोप लग रहल छै मंत्री पर आरोप लग रहल छै संघ संस्था के लेल काज कर रहल छै से के जी नै एकदम ई त बिल्कुल निराधार बात छै कोन संघ संस्था ठीक छै मंत्री जी संघ संस्था के लेल स्वयं जे अर्थमंत्री जी जेकरा पास सारा प्रदेश के पूरा बजट विनियोजन के लेल आर्थिक पूरा विनियोजन के जवाबदेहिता जिम्मेवारी है उ एकटा सचिव जी के बजा के ओ एनजीओ में कथि पैसा रखे के लेल देखियौ अपने केना लगे आइ भी से अगर ई बात अगर सत्य छै नै छै अपन ठाम नै छै सचिव के जे प्रतिक्रिया एले जे व्यक्ति एले ओइ दिन त आइ पर जांच होनाय जते कतेक जरूरी छै एकदम जरूरी छै देखल जाय सच नै ई बात कहां उठे छै एकदम जी छानबीन समिति जांच तो होय के होक चाहि नै एकदम होय के चाहि सुनल जाय सचिव जी सब सचिव जी के अभिव्यक्ति के ऊपर सब चीज प्रश्न छै सचिव जी की कहलकै कि हमर जिंदगी ओहि फाइल में छै
अहा जब आरोप लगबे मंत्री जी पर एक मंत्री जी पर कि मंत्री जी के दबाव से उनकर एनजीओ के न रख दिली तो अहाँ फाइल बोक के घरे घर घूमी छी अहाँ के पॉकेट में मंत्रालय है सचिव जी के पॉकेट में मंत्रालय है सचिव जी फाइल बोक के घूमित फिरते सुशासन है यही हिसाब से प्रदेश संचालन हेतु सचिव जी ओत की अपने के दिखाई दे प्रदेश सचिव जी प्रदेश के पॉकेट में लाके संबंधित मंत्रालय के चलते अहा तो बुझबे न सचिव जी के सबसे विगत में भी बारम्बार भ्रष्टाचार के आरोप सचिव जी पर लागल है अपने देखल उनकर सर्विस अवधि देखियो उनका कार्यशैली देखियो बारम्बार प्रश्न चिन्ह खड़ा होल सचिव जी ही उनकर अभिव्यक्ति देखबे तो अपने के लागत उनकर मानसिक अवस्था ठीक नहीं है बारम्बार अभिव्यक्ति में उनकर परिवर्तन आल परिवर्तित अभिव्यक्ति है अभी अखनिये कुछ बजे के कनिकाल में कुछ बजे के उनकर बारम्बार ही रही उनका द्वारा एत चल खेल गई चाहल के कि नटंकी नाटक मंचन करम एहन वातावरण क्रिएट करम कि हमरा ऊपर छानबीन नहीं हेतु जी अच्छा ये घटना भले ते पर जांच हेबे करते से एकटा विश्वास कल जाए एकदम एकदम पीट पाट के विषय मात्रे नहीं की मतलब भ्रष्टाचार के बात है हम अपने फिर कह जी कोनो पीट पाट जे भेल होय षड्यंत्र के तहत दुई नंबर प्रदेश के बदनाम कर के लेल यही बात संहिता के असफल कर के लेल ग्रैंड डिजाइन के रूप में इस सचिव जी ओकर एकटा यूज मात्र प्रयोग के केंद्र बिंदु बन के उनका प्रयोग कल जा रहा है और प्रयोग बनल जा रहा है विगत में भी उनकर जे सेवा अवधि में बारम्बार उनका साथ यह व्यवहार भेली कोनो जगह या उस कर्नाली प्रदेश में जहिया रहथिन तहिया एहिमे महोतरी वन कार्यालय में रहथिन तहिया ओहिसे पहले उनका सेवा अवधि में बारम्बार उनका कार्यशैली पर उनका चरित्र पर बारम्बार प्रश्न चिन्ह उठल व्यक्ति छै ना जी आब एकर जांच भ रहल एकर किछ की हेतै दोसर ई घटना लगले एकटा दोसर बात देखल गेलै जी जी जे एकदम और दुर्भाग्यपूर्ण छै जी जी जातीयता के बात सब हम सब विशुद्ध रूप से मधेश जन विद्रोह से स्थापित शक्ति छी मधेश के जनादेश से स्थापित शक्ति छी फोरम नेपाल शहीद के सपना प्राप्ति के लेल वही उद्देश्य प्राप्ति के लेल स्थापित शक्ति है हम सब विगत में समग्र मधेश के लेल काज करे वाला शक्ति छी हम सब इस सरकार मधेश के इंटरेस्ट में काज करे वाला छी जातीयता तो संकीर्ण मानसिकता के लोग के साथ लगली वही सचिव जी के कर्णाली प्रदेश से खड़ेड़ दै छै कोनो जातीयता के आरोप नहीं लगे छे तखन कोनो जातीयता नहीं छे वही सचिव के यदुवंश जा मंत्री जी पिटे छे उनका साथ दुर्व उनकर तो बात जातीयता के आरोप नहीं लगे छे वो अर्थमंत्री जी यादव होला के नाता से जातीयता के प्रकार प्रोपोगंडा ये बात हम पूछा चाहे छी अपने से पूछा चाहे छी कैला ई मीडिया एते मैटर के हाईलाइट करना है पहले से दुई मिनट पहले घटना होला के एक मिनट बाद मीडिया पहले से अर्थमंत्री जी के कार्यकक्ष में सारा प्रदेश के देश के मीडिया उपस्थित होना है कि षड्यंत्र न लगी यही के लेल कि षड्यंत्र के तहत दू नंबर प्रदेश के जातीयता के द्वंद में फंसा दी एक बार बदनाम कर दी प्रदेश के जितने भी प्राप्त उपलब्धि तेरा समाप्त कर दी वही षड्यंत्र के तहत प्रोपोगंडा फैला हम कह जातीयता के बात रहती है दू नंबर प्रदेश में फोरम नेपाल पहलका काज कल प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वर लाल कास जी के नियुक्ति भेले ध्यान देबे अपने जातीयता के जहाँ तक आरोप लगे छे प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहम्मद लाल बाबू राउत गद्दी जी छथिन प्रदेश में पहलका नियुक्ति भेले महान्यायाधिवक्ता दीपेंद्र झा के नियुक्त कलकै फोरम नेपाल देश में एकटा मंत्री उपेंद्र यादव जी छै राष्ट्रीय संघीय सरकार में दोसर मंत्री मोहम्मद इश्तियाक राइन जी के देल गेलै यही प्रदेश के मंत्री में शैलेन्द्र शाह जी के मंत्रिमंडल में समावेश कल गेलै इस प्रदेश में सरोज कुमार कुशवाहा जी के मंत्रिमंडल में समावेश कल गेलै एहन अनेकन निर्णय फोरम नेपाल समावेशिता के आधार पर देश प्रदेश साझा है एकरा अभिशाप के रूप में आइयो सत्ताधारी लोग राज्य सत्ता संचालन करे वाला लोग जते भी परिवर्तन अल ओकरा आई भी उ सब के नजर में खटक रहल छे आइयो चाहे छे विभिन्न षड्यंत्र प्रपंच मार्फत एकरा खराब समाप्त कर दी वही के लेल सहज टूल्स जातीयता के टूल्स के रूप में अपने देखबे ना घटने क्रम के देखियो ना सचिव जी के साथ एक मिनट में दुर्व्यवहार भे छे कि नहीं भे छे भीतरे छे कोनो दुर्व्यवहार नहीं भेल छी स्वयं सभामुख जी उपस्थित छी मंत्री ओहि बा प्रदेश सभा के सांसद जी कहै छी अनेकन सरकार वाला पांच सात आदमी के बीच में वही उनका मंत्री जी के बीच में संवाद होइ छै दुर्व्यवहार मंत्री जी के साथ सचिवे जी करै छै फाइल फेंक दै छै टेबल पर सचिव जी बाहर अबै छी पहले से मीडिया मौजूद रहै छै पूरा मीडिया फोकस करके पूरा हाईलाइट करै छै सचिव जी एकदम स्तर नीच गिरा के अपन अभिव्यक्ति दै छै एते सारा लोक के शर्मसार कर देवे वाला मदेश के शर्मसार कर देवे वाला उच्च नीच स्तर के सब सब के प्रयोग कर छै आप दोसर जा ध्यान देबे और वही के बाद एते बड़का प्रोपोगंडा जातीयता के नारा लगै छै हर एक फेसबुक स्टेटस देखियो व्हाट्सएप ट्विटर जते सोशल मीडिया है और ए बाकी स्थानीय मीडिया ए देश के मीडिया पूरा फोकस कथी पर करै छै जातीयता पर करै छै
तो सुनियोजित षड्यंत्र के तहत ही घटना भेल छी। घटना के अपने प्रकृति देखब, घटना के घटनाक्रम के सूक्ष्म अध्ययन करब, तो अपने का स्पष्ट दिखाई देत नहीं घटना एकदम सुनियोजित राज्य द्वारा एगो षड्यंत्र के तहत बहुत बड़का प्रोपोगंडा के रूप में अगाड़ी बढ़ाल गेल है ना। जी तो अपने जना कह रहल छी कि मीडिया से ओय पर लागल से अपने आरोप लगा रहल छी, तो मंत्री जी किया मंत्री जी किया ने कुछ बाजे छै जी मीडिया मंत्री जी के कहब, मंत्री जी स्पष्ट कह देल कि नहीं वही जे बदले से हम बदले छै ना, ओकर बाद किया ने कहै छै भ्रष्टाचार के आरोप लागल छै हुनका पर, एकदम ओ किया ने बाजै छै एकदम। मंत्री जी के कहब ई छै कि हमर अभिव्यक्ति से छानबीन समिति जे प्रदेश सरकार बनल है उनकर छानबीन प्रक्रिया में कोनो किस्म के अवरोध बाधा अवरोध न होए, निष्पक्ष छानबीन होए, यथोचित सत्य तथ्य जनता के सामने आवे, प्रदेश के लोग के सब चीज के आवक चाहिए जी एकदम, सब पार्ट के सी हो भ्रष्टाचार के विशेष आवक चाहिए। प्रदेश सरकार जीरो टॉलरेंस में चलते ही प्रदेश सरकार अगर ये छानबीन समिति जी पांच गो सके अवधारणा पर चले छी प्रदेश सरकार, ओय में सबसे एक नंबर में सुशासन रखल गेल छी, शिक्षा स्वास्थ्य सड़क सिंचाई और सुशासन पांच गो सके प्राथमिकता में प्रदेश सरकार लेके गाड़ी बढ़ रहा है। सुशासन में कोनो टॉलरेंस न, भ्रष्टाचार में करप्शन में जीरो टॉलरेंस के नीति हमारे मुख्यमंत्री जी के, प्रदेश सरकार के, प्रदेश सरकार के सारा मंत्री सारा आदमी प्रतिबद्ध छी, अपने कतौ कोनो हिसाब से प्रदेश सरकार कोनो जगह जते प्रोपोगंडा कैल गेलै, जते बड़का मीडियाबाजी विभिन्न विभिन्न कार्यक्रम के दौरान कैल गेलै, सब चीज स्पष्ट है ना। प्रदेश सरकार एक एक चीज के हिसाब ए प्रदेश के जनता के देवे के लिए प्रतिबद्ध है, हर एक चीज पारदर्शी होते, सारा चीज जनता के सामने प्रत्यक्ष रूपेण रखल जते, सारा चीज अपने सबके सामने होते। हम सब कोनो हिसाब से भ्रष्टाचार में जीरो टॉलरेंस के नीति के साथ चले छी, कतौ को भ्रष्टाचार अगर ई जे समिति बनाल गेलै छानबीन समिति, अगर ई समिति ओही दिन के घटना के मात्र विषय अगर सार्वजनिक करे छै जी जी, तो अहां सब सार्वजनिक रूप में ई अभिव्यक्ति देबै से नहीं आई के विषय मात्र सार्वजनिक नहीं होक चाहिए, जो अगर भ्रष्टाचार के बात के याल है अभिव्यक्ति याल है सचिव के तो ओकरो छानबीन होक चाहिए, से कहबे एकदम ओकरा कहल गेल छे तुरंत फाइल या छानबीन समिति के उ फाइल संबंधित मंत्रालय के सारा फाइल सारा रिकॉर्ड तत्काल बुझाल गेल छे, वही पर भी समय लागा के कारण कि वो अपने के साथ वही दोनों प्रतिवेदन के साथ अपने सबके सामने सार्वजनिक से अपेक्षा एकदम एकदम अपने एकदम विश्वस्त रह जी। आप कोई प्रश्न बदले जी, अपने केंद्रीय सदस्य सेहो छी फोरम नेपाल के, सरकार केंद्रीय सरकार में सेहो सहभागी छी ने, अहाँ सब केंद्र में की खड़ल छै फोरम नेपाल जे अहाँ सब सहमति क के केंद्र सरकार में सहभागी भेल छी, ओ सब पूरा करेलिए एकदम आत्मसमीक्षा कयल जाए एकदम हम सब प्रतिबद्ध छी, नहीं प्रतिबद्ध नहीं आत्मसमीक्षा कयल जाए पूरा करेलिए से कहल आत्मसमीक्षा करे के समय आते हम सब आत्मसमीक्षा करब, अखन हम अपने के बता दै छी परिस्थिति की है। संविधान संशोधन करे के लेल द्वितीय चाहिए, विगत में सुशील कोइराला जी के सरकार रहे बारंबार संविधान संशोधन के बात अलै, दुई तिहाई नहीं है दलील देल गेलै, ओहि के बाद फिर से नेकपा एमाले के सरकार अलै, वही समय में तत्काल फिर से दुई तिहाई नहीं है तकर दलील देल गेलै। ई नया जे बेर चुनाव भेलै एहि चुनाव के जरिए मजबूत कम्युनिस्ट सरकार अलै, एहि सरकार के दू तिहाई के रटान जे फिर से दुई तिहाई के नाम पर संविधान संशोधन के मुद्दा से भागे सरकार से नहीं भागे, तो दुआरे फोरम राजपा संयुक्त रूप से इस सरकार के समर्थन करके दुई तिहाई पहुँचा दिल्क, हम सब दुई बुदे सहमति के साथ इस सरकार के साथ कल में स्पष्ट लिखल छे हमरा सब के हिसाब से फोर संघीय समाजवादी फोरम हिसाब के हिसाब से संविधान संशोधन हो से सहमति अपने सहमति के पढ़ जिस टोकर हुए वही सहमति के प्रति हम सब एकदम प्रतिबद्ध छी, संविधान संशोधन फोरम नेपाल के सहमति के हिसाब से ही संविधान संशोधन कराबे के लिए हम सब प्रतिबद्ध छी, ओहन वातावरण बन रहल है माहौल बन रहल है, बहुत जल्दी संविधान संशोधन होते, बारम्बार हमर अध्यक्ष जी कह रहल छै, हमर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहल छै संविधान संशोधन के एक सूत्रीय बुदा के साथ हम सब सत्ता सरकार में सहभागी भेल छी, हम सब सहयोग कर रहल छी अखन के सरकार के, और वही के साथ दुईटा एजेंडा छै मुख्य रूप से अखन के परिस्थिति में देश में एवा के जनता के दुईटा आकांक्षा छै, एकटा पहिलका आकांक्षा की छै कि देश में जे शताब्दियों से दमन शोषण उत्पीड़न और विभेद में एवा के चाहे मधेसी आदिवासी दलित जनजाति सीमानकृत समुदाय मुस्लिम के जे रखल छै ओकरा ऊपर के जते भी विभेदी से खात्मा होय, संविधान ई संविधान अपूर्ण संविधान है, काल तक माना के लेल नहीं तैयार रहे, फोरम नेपाल के समझौता के बाद संसार के सामने तो मानल गेलै ना, दू तिहाई के कम्युनिस्ट सरकार के मुखिया तो सिग्नेचर कलकै ना प्रचंड जी और ओली जी की संविधान त्रुटिपूर्ण है संविधान संशोधन करे पड़तै, बारम्बार उनकर सरकार जी सुन जाए संविधान संशोधन करे पड़तै कहै छी अहाँ,
अत्येक दिन भ गेलै फोरन नेपाल सरकार में गेला किछो नै भरल छै एहि विषय पर बहुत कुछ भेलै हमको आज संविधान संशोधन के विषय में की केलकै फोरन नेपाल जी संविधान संशोधन के विषय में हम सब एकदम प्राथमिकता से हम सब तुरंत डेलीगेशन के रूप में जाके संविधान संशोधन के गृह कार्य क के उपलब्धि के बात करल छै दबाव के बात नै करल छै यहाँ दबाव दै छै जी ओकरा लेल गृह कार्य जरूरी है ना संविधान संशोधन करे के लेल गृह कार्य में लागल है सरकार वही तरफ हम सब छी ओतो होमवर्क रिजल्ट के आबड़ा प्रधानमंत्री संसद में अभिव्यक्ति दै छै से मतलब न्यायोचित जे त्रुटि आगे वाला अधिवेशन जे सदन के जे होय जा रहल ओही अधिवेशन में संविधान नहीं तो प्रधानमंत्री के अभिव्यक्ति तो परिवर्तन नहीं भरल छे प्रधानमंत्री ओहे कह रहल छे कि मतलब हमरा सब के आवश्यकता के अनुसार कुछ कह सके छी ओकरा सब के आवश्यकता कहिया पूरा हेतै जी नहीं संविधान संशोधन करही पड़तै से बारंबार अभिव्यक्ति दे रहल है ना प्रधानमंत्री संविधान संशोधन करम संविधान संशोधन के गृह कार्य में लागल छी से अभिव्यक्ति ना कहीं के अहाँ के अनुसार नहीं कर जा रहा है नहीं हमरा सब के साथ समझौता छे हम सब बैठ के आपसी सहमति में संविधान संशोधन कर के छे हम सब एकटा ये बात नहीं छे प्रतिवेदन सार्वजनिक के बात छले सर फोरन नेपाल हम लोग तक वो मधेश आंदोलन के प्रतिवेदन छले से सार्वजनिक करा हम सब ओई के तरफ अगाड़ी बढ़ल छी प्रतिवेदनो सार्वजनिक हेते हम सब ओई समय में प्रधानमंत्री कहल छे घाव के देखू प्रतिवेदन पर कथि लागल छे कैला सार्वजनिक कराबो चाहिए जी एकदम प्रतिवेदन सार्वजनिक करे प्रति मधेश के मधेश आंदोलन से भाव देखु से मधेश के प्रति जते बड़का विभेद भेले मधेश में रक्त रंजित कैल गेले मधेश के बच्चा वृद्ध जवान महिला के छाती और सीना ताक के गोली मारल गेल छै ओही सारा घटना के तत्व सत्य तथ्य बाहर ओही प्रतिवेदन बाहर रहतै ओ दोषी के ऊपर कार्रवाई के प्रक्रिया तक हम सब अगाड़ी बढ़बै ओही के लेल ई हमर पार्टी हम सब प्रतिबद्ध छी ओहि दिशा में गाड़ी बढ़बै आ फिर अहाँ भरल छै कुछ प्रधानमंत्री कहि रहल छै जायज मांग संबोधन करबै एखनो करल छै दोसर बात प्रतिवेदन के बात है प्रतिवेदन के विषय में ओहे कहि रहल छै कि प्रतिवेदन होला सार्वजनिक तर मुख्य कुरा घाव को कुरा गरौ न मधेश आंदोलन जुन घाव दियो त्यसलाई पूर्ण काम गरौ न हामी त्यतातिर लाओ से कहि छै प्रधानमंत्री त यही कहि रहल छै सार्वजनिक करबै मधेश आंदोलन के घाव तब पूर्ति जब संविधान संशोधन होतै एहि देश में शताब्दियों से बहिर्गमन में राज्य के भक रहल छै पहुंच विहीन राज्य के शासन सत्ता से जे जे समुदाय के एक्सक्लूड कर दिले बाहर कर दिले ओकरा राज्य सत्ता में मूल प्रवाह में समान जनक हिस्सेदारी भागीदारी स्थापना हेतै तब न उघाव पूर्ति वही दिशा में अगाड़ी बढ़ के प्रधानमंत्री जी कहबै वही तरफ वही के लेल संविधान संशोधन अपरिहार्य है करही पड़तै हमरा सबके इनिशिएशन में हमरा सबके सहमति के हिसाब से संविधान संशोधन करे पड़तै वही के एक समय तो फोरन नेपाल संविधान सार्वजनिक करे पड़तै दोसर बात एगो एजेंडा और छी बहुत महत्वपूर्ण एजेंडा अधिकार प्राप्ति के साथ साथ विकास और समृद्धि भी बहुत महत्वपूर्ण चीज छे वो तो प्रशासन में कह रहल छै ऐसे विगत में जते भी स्वास्थ्य मंत्री भेले देश में आहां सब देखने हबे ए मदेश के लेल ए देश में जते बड़का परिवर्तन जते बड़का काज हमर सबके हृदय अध्यक्ष अखन के माननीय उप प्रधानमंत्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री उपेंद्र यादव जी जते बड़का परिवर्तन लेके अलैय जते चीज मदेश के लिए लेके अलैय शायद इससे पहले नहीं भेल छलै अपने के चाहे नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताल होए जनकपुर अंचल अस्पताल होए सागरमाथा अंचल अस्पताल राजबिराज के स्तर उन्नति होए लगातार हर एक वार्ड में स्वास्थ्य चौकी स्थापना के बात होए प्रत्येक गाँव पालिका नगर पालिका में वो 15 बेड के कम प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्थापना के बात होए विज्ञान अध्ययन प्रतिष्ठान खोलने के बात होए लगात नर्सिंग कॉलेज खोल के बात हुए अनेकन कैंसर हॉस्पिटल सिया में निर्माण कर के बात हुए लगात एहन दर्जनों भर बड़का बड़का प्रोजेक्ट बड़का बड़का योजना मदेश के लिए दिल जा रही मदेश के अगाड़ी बढ़ा जा रही है विकास के बाद जी अखन विकास के बात हम नहीं कर रहे विकास के बात नहीं कर रहे अधिकार के बात कर रहे एकदम अधिकार प्रति हम सब सजग छी प्रतिबद्ध छी संविधान संशोधन एक नंबर एजेंडा इस संगे समाजवादी फोरम ने अखन ब्रेक ल छी 10 मिनट अखन ब्रेक ल छी ब्रेक के बाद फिर बातचीत एकदम जाय रहते ब्रेक बाद स्वागत करै छी प्राइम टाइम लाइव में आ स्टूडियो में छथि संजय कुमार यादव ओ फोरन नेपाल के प्रदेश सांसद छै प्रदेश नंबर 2 के यादव जी जेना संविधान संशोधन ई रटान त चलि रहल छै राजपा सेहो अपन कहि रहल छै करा रहल छै ओ अपन समर्थन देने छै आब त कहि समर्थन फिरता लेब सेहो कहि रहल छै पछिला समय में एकटा काज भेलैय कि रेशम चौधरी के शपथ खियोल के यद्यपि ओ जेल में फेर चलि गेलै ओकर जस राजापा लऽ रहल छै फोरन नेपाल सेहो कतौ ने कतौ बैत रहलै कि हमरो सबके एहिमे किछु रहलै एहिमे मतलब दबाव देलिए ताहि दुआरे भेले से कहि रहल छै जस अब जस से महत्वपूर्ण बात की छी रेशम चौधरी जी के प्रति जते बड़का न्याय राज्य कर रहल छै उनका न्याय दिलाबे के बात छै ओ महत्वपूर्ण बात छै
रिहा करनाय जरूरी छै, एकदम रिहा करनाय जरूरी छै। रेशम चौधरी जी के पास के ऊपर आयो अन्याय भ रहल छै, राज्य द्वारा षड्यंत्र के तहत अन्याय उनका ऊपर हो रहल छै। राज्य में तो फोड़ो नेपाल छै ना, एकदम राजापा तो नहीं छै, राजापा समर्थन मात्र देने छै, फोड़ो नेपाल राज्य फोरम दोनों के समर्थन से सरकार में राज्य में राजापा नहीं छै, फोरम छै ने जी, सरकार में अहाँ के सरकार में नहीं समर्थन मात्र देने छै, सरकार में कहाँ छै, सरकार में फोरम छै, वो सरकार में छै, देखल जाए तब फोरम की कह रहल छै, मतलब अइ विषय में अहाँ सब कह रहल छै दबाव दे रहल छै प्रतिवाद छै जी। हमर श्रद्धेय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पहल कदमी पे जे काज बारंबार राजपा के संयोजक जी सब जाके लगातार वार्ता कैला के बादो जे चीज संभव नहीं भेले, उ काम फोरम नेपाल के श्रद्धेय अध्यक्ष जी के फोरम नेपाल के इनिशिएशन पर भेले, फोरम दोनों के इनिशिएशन पर रेशम चौधरी जी के शपथ कराएल गेले। उ अपने आप में बहुत उपलब्धिपूर्ण छै, स्वागतियों के काज छै, लेकिन आइयो फिर से उनकर शपथ ग्रहण करा के रेशम चौधरी जी के फिर से थुना में जेल में रखल गेले, वो अन्यायपूर्ण बात छै। अहाँ सब फोरम नेपाल सरकार में गेल छै जी, एक लाइन में कहल जाए सरकार में गेल छै किया संविधान संशोधन कराबे के लिए, कराबो ने जी। तो अहाँ सब जखन सरकार में जाय छी ने समझौता के लिए, दू बुदे के समझौता के लिए, एक बुदा छलै सरकार मतलब संविधान संशोधन करै, दोसर सरकार में जनाय, मतलब अहाँ सब सहमति क लै छी बड़ नीक जगह काज में लिख लै छी, लेकिन ओहि जे एकटा और नीति क्या ने तोकै छी से हम अत्ते दिन के भीतर में संविधान संशोधन नहीं है तो हम सरकार से फिर जी एकदम हम सब एकदम स्पष्ट कहने छी आवे वाला अधिवेशन में नहीं कहने छी नहीं सहमति करत कला कागज में क्या लिखे छी जी, कागज में बारंबार लिखल कहां लिखे छी, कहां कहू लिखे छी, उच्च स्तर के बात है छी, अहां लीडर के बीच में बात है छी, लीडर अब देश संचालन है लिखिए देबे अहां, वैसे बारंबार सब चीज तो लिखले गेले, आठ बुदे समझौता लिखल गेले, सोलह बुदे समझौता लिखल गेले, संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के साथ भेल, तत्कालीन मधेशी जन अधिकार फोरम नेपाल के साथ भेल, बाईस बुदे समझौता रहे सेहो लिखले गेल रहे, लेकिन वही में संबंधित पक्ष कते ईमानदार है छे, राज्य सत्ता संबंधित पक्ष ईमानदार नहीं छे से तो अहाँ स्वीकार करे छे, राज्य ईमानदार नहीं छे स्वीकार करे छे, आप कागज में सहमति नहीं करे पड़ते नहीं कहे छे पहले, आब तो पहले काम होके चाहिए, सहमति नहीं करबे से कहे छे, चाहे राजपा हो चाहे फोरम हो, सहमति क लै छियै संविधान संशोधन करायब, सरकार में जा रहल छियै नै सत्ता लिप्सा, सत्ता में लै ओहि हिसाब से सत्ता लिप्सा नै, फेर ई बात पे ध्यान देबै से आरोप लगे ना सब पर, अत्ते दिन जी विगत आठ साल में ए देश में चाहे बाबूराम जी के सरकार होय, ओहि के बाद माधव नेपाल के जी के सरकार होय, ओहि के बाद फिर शेरबहादुर देउवा जी के सरकार होय, फिर से केपी शर्मा ओली जी के सरकार होय, सुशील कोइराला जी के सरकार होय, केपी शर्मा ओली जी के सरकार होय, सात गो सरकार अलै, हरेक सरकार द्वारा आह्वान कल गई फोरम नेपाल के सरकार में आब के लिए, फोरम नेपाल या आठ साल के दरमियान सारा सरकार के आह्वान के फेंक दिल्क, यही बेर फोरम नेपाल यही आस पर सरकार में शामिल भेल, यही प्रतिबद्धता के साथ सरकार में शामिल भेल, यही समझौता के तहत सरकार में शामिल भेल कि यही बेर जनता मजबूत कम्युनिस्ट सरकार के मैंडेट दिल्क, संविधान संशोधन दू तिहाई बहुमत चाहिए, दू तिहाई हम संयुक्त रूप से राजपा फोरम मिलके इस सरकार के पहुँचल के सरकार कल की हमरा सहयोग करू, देश में अहाँ के समय देश के जते उपेक्षित समुदाय है मधेशी आदिवासी दलित जनजाति के संविधान संशोधन मार्फत जे यथोचित मांग है ओकरा हम सब संबोधन संविधान संशोधन मार्फत पूरा करे के लिए प्रतिबद्ध छी, एहि देश के मिलके समृद्ध समुन्नत सम्पन्न राष्ट्र बनाऊ, सफल राष्ट्र बनाऊ, तो हम सब वही तहत इस सरकार में शामिल भेली, ठीक छै अहाँ के हम सब सहयोग करे के लिए तैयार छी, अहाँ के प्रति एक बेर हम सब और विश्वस्त होके अहाँ के तैयार करे छी, दू तिहाई पहुँचबै छी, हम सब प्रतिबद्ध छी, उनका ई मैंडेट देल गेल छी फोरम नेपाल, यही आए वाला अधिवेशन के भीतर में संविधान संशोधन नहीं भेटे तो हम सब फिर से संघर्ष के तैयारी में जुटबे, हम सब संघर्ष के तैयारी करबे दिशा में गाड़ी, नहीं तो मिति क्या ने तोक दी छे, एकदम मिति दोसर अधिवेशन ये जे आए वाला अधिवेशन होय के भीतर में संविधान संशोधन नहीं भेलै तो हम सब संघर्ष के दिशा में गाड़ी बढ़बे, सरकार से बाहर एकदम, सरकार कोनो महत्वपूर्ण सरकार से हम सब आइयो बाहर होय के लिए तैयार छी, लेकिन सरकार कहलकै कि हम सब वचनबद्धता व्यक्त करै छी कि हम सब मिलके समृद्ध समुन्नत सफल मुलुक निर्माण करब, संविधान संशोधन मार्फत ई देश में जते भी विभेद कैल है, जते भी असमानता है, जते भी समाज जते भी अन्याय कैल है, जते भी अन्याय में परल जनता है ओकरा सामाजिक न्याय मार्फत देश के मूल प्रवाह में अधिकार संपन्न करबै, संविधान संशोधन के जरिए देश के सारा जनता के अधिकार संपन्न बनबै, संविधान संशोधन तो दूर के बात है जी, नागरिकता जे छै अंतरिम संविधान के 2063 के जे नागरिकता जे परिमार्जन हो जा रहल छै
नागरिकता ऐन तो संशोधन मतलब पारित नहीं कराब चाहे मतलब सक रहा है अहाँ सब तो संविधान संशोधन तो दूर के बात है नागरिकता ऐन सुशासन समिति में सुशासन समिति मतलब अहाँ के संसद से पारित भ जेबा के चाहिए लेकिन सुशासन समिति में भेज दिए बहुत सारा विधेयक पारित हो जाबे के चाहिए ई त महत्वपूर्ण विधेयक छै नागरिकता ऐन जी नागरिकता ऐन बहुत महत्वपूर्ण विधेयक छै ऐसे बहुत सारा मदेश के आए वाला बच्चा के भविष्य चौपट में छै पढ़ा नहीं सक रहल छै लोग सामान्य रूप से जीवन यापन नहीं कर सके छै जे संविधान परत अधिकार मिलल छै अंगीकृत इहे त कहै छै एकटा नागरिकता जी नागरिकता ऐन कहल कहै से इसी त अभी अधिवेशन में नागरिकता ऐन आनबै से अहाँ सब त कहै छलै नागरिकता ऐन पारित करा लेबै अखन सुशासन समिति में छै परामर्श में छै त कहिया पारित हेतै अब आ रहल छै आए वाला अधिवेशन में उस टेबल कयल जेतै पारित हेतै नहीं अधिवेशन तो अखन चल रहा है ना जी तो यही अधिवेशन में अखन तक तो प्रयास यही अधिवेशन में पारित कराब के है ना अखन तक सरकार प्रतिबद्ध है कि हम ला रहल छी यही अधिवेशन में पारित हेते हम सब नहीं अहाँ सब पर आरोप है कि सरकार में छी अखन पिछला निर्णय करी कहले के निर्णय करी जी जी नहीं मधेशी आयोग बनल मुस्लिम आयोग बनल थारू आयोग बनल लेकिन जे जे छनौट भेल छै जे जे आयोग के अध्यक्ष बनल छै ओ नेकपा के कार्यकर्ता विशुद्ध मधेशी आयोग नेकपा के कार्यकर्ता जी फोरम सरकार में जी जी एकदम फोरम सरकार में फोरम संविधान संशोधन कराब के एकमात्र उद्देश्य के साथ सरकार में सहभागी छी से बुझा पड़े पहले ए दोसर दिस नहीं देखल छी नहीं नहीं दोसर दिस देखबे जी वही के बाद हम सब स्पष्ट कहने छी जे संविधान में जे उपलब्ध अखन जे जे आर व्यवस्था भेल छी संविधान के तहत समावेशिता के जे व्याख्या कयल गेल छी वही तहत संपूर्ण आयोग बनना चाहिए देश के सारा आयोग समावेशी होना चाहिए सबके प्रतिनिधित्व होना चाहिए अब सत्ताधारी दल एकर दुरुपयोग करे छे तो वही के लिए हम सब नहीं पर कोनो स्टेटमेंट तो नहीं ले ले फोरम के कि मतलब अहाँ सब संतुष्ट छी फोरम संतुष्ट छे से मधेशी आयोग के जे अध्यक्ष छे भले ओ नेकपा के रहे थारू के भले नेकपा के रहे मुस्लिम आयोग के सीएम ने कपा कहे ऊपर हां सब संतुष्ट नहीं कहे जी कल तक तो ये आयोग बनब के अवस्था नहीं रहे बारंबार वो सब नहीं चाहे विगत में बहुत बेर बात उठ ली आयोग निर्माण का के आयोग अपना फंक्शन में तय काज करते वही हिसाब से अगाड़ी बढ़ते प्रक्रिया में वो के लिए राज्य तैयार न रहे विभिन्न षड्यंत्र कह के आयोग निर्माण कर के लिए वो सब ईमानदार न रहे आई निर्माण आयोग निर्माण के प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ रही वही में संवैधानिक रूप से जे अध्यक्ष पद सब के व्यक्ति सब के चयनित कल गई वही प्रक्रिया के अगाड़ी बढ़ाल गए स्वागत योग्य है समावेशिता हो के चाहिए सर्वसम्मत से हो के चाहिए सारा आदमी के समन्वय से हो के सर्वसम्मत नहीं भले जी से तो माने छे जी एकदम नहीं भले सर्वसम्मत एकदम माने छी बात मतलब अहाँ सब बैठ के देखे छी खाली संविधान संशोधन के रटान करबे आ संविधान संशोधन के रटान नहीं संविधान संशोधन करबे आर चीज में जे करे ने कपा जी नहीं कोनो चीज में नहीं अगर देश के बदहाली के तरफ देश के ऑफ ट्रैक ले जा रहल छी त हमर सब के जवाबदेहिता छी जिम्मेवारी छी ट्रैक में लाब के सरकार के सत्ता के सही दिशा में सही राह पर सही ट्रैक में संचालन कहाँ आए बढ़ल छै एकदम हम सब तो कहाँ आए बढ़ल छै हम सब तो वही तरफ से अब आयोग बने के निर्माण प्रक्रिया गाड़ी आयोग के गठन भेले एकोटा मधेश के नि पड़ले मधेसी जे मधेश के नि दल के जे कहै छै यहाँ सब राजनीतिक नियुक्ति सब पाए मतलब मधेश के नि दल अपन सत्ता में रहल त अपन पार्टी के नियुक्ति करौली सेहो त नि करा सकली ने जी है त चाहे मधेसी आयोग के बात हो या मुस्लिम आयोग के बात हो जी विभिन्न जगह और प्रक्रिया में गाड़ी बढ़ल छै ओहि हिसाब से बात छै ओहि हिसाब से सब जगह रखल जेतै ऐसे कते असर पड़ते मतलब संदेश केन जा रहा है मधेसी आयोग के विषय में देखल जाए दुईटा बात है जनादेश बड़ा महत्वपूर्ण बात है अपने के देख पड़ते एक बात की बुझा पड़ते ये दू नंबर प्रदेश में मधेशवादी दल के कुल मत के जमा 39% मत मधेश केंद्रित दल के मिलने गैर मधेशवादी दल के 61% मत मिलने प्रतिनिधि सभा में मधेश केंद्रित दल के नगण्य उपस्थिति है अखन के परिस्थिति एकदम यथार्थ परक बात विश्लेषण करे पड़े भावनात्मक बात से अपना जगह पर छोड़ बहुत बड़का स्थान छे लेकिन यथार्थ हमर सबके नगण्य उपस्थिति छे हमर सबके पहलका दायित्व पहलका जिम्मेवारी की छे मधेश के हित में एवं के तमाम देश के शोषित उत्पीड़ित उपेक्षित जनता के हित में संविधान संशोधन करके उनकर सबके अधिकार के रक्षा करना अधिकार सम्पन्न बनाए जनता के मूल आवश्यकता जे ही जेन्यून ओकरा पूर्ति करना हमर सबके प्राथमिकता छे संविधान संशोधन के प्रमुख आधार मान के इस सरकार के दू तिहाई पहुँचा के सरकार के साथ जो समझौता होले इस समझौता के तहत हम सब सहयोग करे के लिए सरकार में गेली पहले ही बात बुझा पड़ी हमर सबके इस सदन में ओहन उपस्थिति नहीं है कि बहुत बड़का डिफरेंसेस हम सब कर सके छी सरकार प्रतिबद्ध है अखन तक
कि हम सब संविधान संशोधन करे जा रहल छी, अहाँ सबके सहमति में हम सब संविधान संशोधन करम, जे यथोचित अहाँ सब मांग रखने छी ओकरा पूरा करम, वही अहाँ सबके लेके चलम, साथ तब मिलके अगाड़ी देश के समृद्ध समुन्नत और सफल राष्ट्र निर्माण करम, ओहि दिशा में अगाड़ी बढ़म, हम सब वही तरफ काज कर रहल छी। ई जे घटना परिघटना भेलै, विभिन्न आयोग भेलैए, एहि पर पूर्ण रूपेण सहमति आधार में होना चाहिए, लेकिन ई आयोग जे बनेवला छलै एकरा बहुत दिन से ट्रैप में पार के नहीं बनाबे के षड्यंत्र भेल छलै, ई आई निर्माण के प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ल, आयोग फंक्शन में आबे के क्रम शुरू भेलै, अपने आप में स्वागत योग्य है। वही में आई के दिन में आयोग काज करे लगते, वो काज केहन करे छै, व्यक्ति कौन बने से महत्वपूर्ण बात नहीं रखै छै, व्यक्ति वही आयोग में वही आयोग के मातहत में रहे वाला लोग के लिए कितने बेहतर काम करे छै से बड़ा मायने रखते, ओहि पर हम सब एकदम प्रतिबद्ध छी। ओहि में हमरा सबके जेना जे हिसाब से सहभागी होय पड़ते, दलगत हिसाब से जे हमरा सबके एजेंडा अगाड़ी सारे पड़ते, जे हिसाब से दबाव के रूप में हमरा सबके अगाड़ी पर बढ़ाव पड़ते, ये तमाम जे सवाल सब है ओकरा में समावेश करके हम सब अगाड़ी बढ़बे। आब अंत अंदेशियो चल आयल छी जी, पिछला समय में एकटा काज केलकै प्रदेश दू सरकार, वाह वाह भ रहल छै, 58 जे मधेश आंदोलन प्रदेश दू में जे शहादत देने रहे तिनकर परिवार सबके रोजगारी देल गेले, 56 अखन शुरुआत में 46 गोटे के जी जी, और के विभिन्न कारण से केकरो काज कर वाला नहीं छै या कोई नेता बन गेल छै या दल में आवत छै, तिनका सबके नहीं देल गेले सेवा सब भेलै ने, एकटा सराहनीय काज छै कि रोजगारी देल गेले 46 गोटे के, प्रक्रिया आगा बढ़ गेलै। प्रदेश दू अहाँ सब तो केंद्रीय मतलब राष्ट्रीय पार्टी कहै छै नि, फोरो नेपाल राष्ट्रीय पार्टी छै, अखन सरकारों में छै, प्रदेश दू में तो देलिए शहादत, प्रदेश दू के मधेसी सब मातृ नहीं देने रहे मधेस आंदोलन में, और छै नि एक नंबर प्रदेश, 5 नंबर प्रदेश नहीं, तिनका सबके लेल फोरो नेपाल की कह रहल छै? एकदम बड़ निक प्रश्न अपने के लिए। अपने माघ 5 गते बलिदानी दिवस के अवसर में पहुँचल रही लहान में जी, बारम्बार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के अभिव्यक्ति, मुख्यमंत्री जी के अभिव्यक्ति, लगात प्रदेश सरकार के घटक दल राजपा के नेता मंत्री जितेंद्र सोनल जी के अभिव्यक्ति अपने सुनने हेबे, प्रदेश सरकार के निर्णय के कॉपी अपने सबके पास आयल होती, वही में ई निर्णय कर गेल छै प्रदेश मधेश जन विद्रोह के दरमियान जते भी शहीद भेल छै उनका परिवार के सम्मान पत्र और प्रत्येक घर में एकटा रोजगारी सहारा बन के लिए एकटा रोजगारी प्रत्येक शहीद परिवार के घर में, वो 2 नंबर प्रदेश स्पेसिफाई नहीं है, हम सब शुरुआत के लिए 2 नंबर प्रदेश के यही बेर वो निरंतर चलती और घाइते उतने नहीं शहीद परिवार के रोजगार ये नहीं घाइते के सम्मान और यथोचित राहत राहत दे सेहो दे गेले सेहो दे सेहो दे और ये क्रम निरंतर जारी रहे तो बहुत नीक काज, बहुत नीक काज, नीक काज के लिए जी, 5 नंबर के देल जते, 1 नंबर के देल जते, वो मधेश विद्रोह के दरमियान जिते भी लोग शहादत दिल के नहीं तो आई पर फोरो नेपाल की कर, तो प्रदेश दू सरकार केल के अपन ठाम छै ने, भले फोरो नेपाल के नेतृत्व के सरकार छले केल के ई बात, लेकिन अब आओ प्रदेश के बात होबे छै, आओ प्रदेश में के करते ओते के राज्य करते, और प्रदेश में फोरम नेपाल नहीं छै, लेकिन फोरम नेपाल प्रतिबद्ध छै कि सारा इहो निर्णय फोरम नेपाल के इनिशिएशन में भेलै, फोरम नेपाल के इनिशिएशन में भेलै, फोरम नेपाल के चूंकि सरकार के मुखिया है, फोरम नेपाल के सरकार है, सरकार के नेतृत्व फोरम नेपाल कर रहल छै, फोरम नेपाल के इनिशिएशन पर पहल कदमी पर ई निर्णय कल गेलै, ई निर्णय सारा शहीद परिवार के आवे वाला समय में क्रमिक रूप से और प्रदेश में भी हम सब परिवार से हुनका सब के की कहबै, पार्टी स्तर से हम सब डाटा संकलन कर रहल छी, घाइते के सारा विवरण संकलन कर रहल छी, हमर सब के पार्टी के अधिवेशनों के अभी तैयारी के क्रम में छी, ओहि क्रम में वो डाटा संकलन हो रहल है, आवे वाला समय में उनको वो शहीद परिवार सब के रोजगारी हम सब देवे के लिए प्रतिबद्ध छी, घायल के सम्मान और आब प्रदेश सरकार यथोचित राहत के व्यवस्था करते वही तरफ हम सब अगाड़ी बढ़बे, ओतबे नहीं प्रदेश सरकार तो और भी बहुत उल्लेखनीय काम कलकै, अखन प्रदेश सरकार में ए माघ 1 गते से जन्म वाला ए प्रदेश में जन्म वाला जिते भी लड़की है बेटी जन्मते लकटकिया हाथ में 1 लाख लेके जन्मे बीमा कर जा रहा है, नहीं तो नारा तो बड़का लोग ले लेने वो आपका पालिका में मात्रे छे सब बेटी कहाँ लोग ले बेटी बचाओ शुरुआत भले यही वर्ष के भीतर में हमारे सबके लक्ष्य है, अखन प्रत्येक जिला में 1-1 वो पालिका हम सब ले लिए, तो वो के लिए केंद्र सरकार के मुंह तागे छी ने पैसा नहीं पुगते हमरा सब लते द्वारा अपन 8 पालिका मात्र लाउ के लेले जी सुनल जाना हम कहै छी 8 पालिका हम सब ले लिए 8 पालिका शुरुआत भेलै हमर सब के प्रतिबद्धता छै एही वर्ष के भीतर में एही प्रदेश के तमाम बेटी के वही बीमा के जरिए जोड़ के
एक एक लाख के बीमा कर के बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत मुख्यमंत्री के जी के कार्यक्रम है वही के तहत और भी अनेक कार्यक्रम सब है जे देखल जाए समाज में खाली भौतिक विकास हो गया से बड़का बड़का भवन सड़क हो गया से विकास है से बात नहीं मनोवृत्ति में समाज में जे विगत में बहुत दिन से जे जड़ गारल कुरीति है कुप्रथा है जे कुसोच है ओह में परिवर्तन लाए पड़ते सकारात्मक सोच में परिवर्तन जब तक नहीं हेतु तो सही मायने में विकास नहीं हेतु ओकर मद्देनजर कह के जे विभेद छे बेटा बेटी में जत बड़का भेदभाव करल जाए वही जे डिफरेंसेज है ओकरा कम कर के लिए भेदभाव समाप्त कर के नीति से बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ योजना के अगड़ी लल अपना सबके समाज में तो दूटा बड़का अभिशाप है एक तो दहेज देना ही बहुत बड़का अभिशाप है ओहू पर बड़का कार्यक्रम आ रहा है बहुत जल्दी हम सब बड़ा स्ट्रंगली प्रदेश सरकार दहेज प्रथा के समाप्त करे के लिए भी कार्यक्रम आ रहा है बेटी के उच्च स्तर में भी पढ़ावे के लिए विभिन्न प्रोत्साहन के कार्यक्रम सब साइकिल देव के लगात विभिन्न बहुत सारा कार्यक्रम है स्वच्छता अभियान के कार्यक्रम है प्रदेश में निक निक काज भरल मतलब एक सही सब परिवार सबके रोजगार के बात बढ़ल है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत ये सब जे मांगे गते सब बीमा के बात सब बढ़ल है और प्रदेश अहाँ सब ओते आंदोलन के लिए नहीं प्रदेश ये मधेश के टुकड़ा टुकड़ा कह दिलिए और प्रदेश के मधेशी सब है वो सब ताक रहा है अह पर कि एक टुकड़ा टुकड़ा कह दिली ने कर वाला हम सब तो वही टुकड़ा नहीं हुए समग्र मधेश दू प्रदेश के अवधारणा के साथ हम सब तो बहुत बड़का दुनिया के क्रांति के इतिहास में मधेश के आवाम मधेश के जनता मधेश के राजनीतिक शक्ति तो सबसे बड़का क्रांति कल कहीं ना वही क्रांति टुकड़ा टुकड़ा तो भाग गए आब दोसर प्रदेश के लिए दोसर प्रदेश में मधेशी सब से तिनका सब के लिए अहाँ सब की कर जगह हम सब मूलभूत रूप से मधेशी लोग के संगठित करे के एक सूत्र में एक जगह लाब के प्रयास छी वही के बाद हम सब जित की है छी दूटा बात है छी क्रांतिकारी शक्ति जब मजबूत हो छी क्रांति करे वाला शक्ति तो अपना क्रांति के दम पर सारा उपलब्धि प्राप्त करी छी जब क्रांति करे वाला शक्ति कमजोर है छी दुनिया में सामान्यता तो ओकर दायित्व जिम्मेवारी की है छी जे प्राप्त उपलब्धि ओकरा पहले संरक्षित करे के सुरक्षित करे के फिर से शक्ति संचय करे के और थप उपलब्धि के लिए संघर्ष करे के लिए हम सब ए फेज में छी क्रांति करे वाला शक्ति अखन कमजोर अवस्था में है सदन में उपस्थिति कमजोर है जम्मा दू नंबर प्रदेश में हमरा सबके 39% मत पड़े बड़ा मुश्किल से प्रदेश में 54 सीट चाहिए सरकार बनाबे के लिए 54 सीट मात्र मिलने हम सब अखन जते देश में जते हमरा सबके संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के बदौलत हमर सबके सदर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उपेंद्र यादव जी के बदौलत देश में संहिता स्थापना भेलै धर्मनिरपेक्षता स्थापना भेलै गणतंत्र स्थापना भेलै देश में समावेशिता स्थापना भेलै सांपातिक प्रतिनिधित्व स्थापना भेलै देश में आरक्षण स्थापना भेलै जे बचाओगो चीज के हम सब पहले अखन शुरुआत में सुरक्षित और संरक्षित करे के काम करे छी एही के बाद हम सब फिर से शक्ति संचय कर रहल छी हम सब महाधिवेशन में जा रहल छी हमर सब के यही बैसाख 28, 29, 30 गते जनकपुर में महाधिवेशन है हम सब फिर से रिवाइव हो के हर एक टोल गांव तबका छोटका छोटका जगह से फिर से शक्ति संचय करे के अवधारणा में गाड़ी बढ़ल छी अब महाधिवेशन हमर सब के तय करतै आगामी कार्य दिशा पार्टी के आगामी कार्य दिशा पार्टी के आगामी राजनीतिक एजेंडा महाधिवेशन के जरिए तो तय होते अपने के विश्वास दिलावे चाहे छी और फिर से सिर्फ मधेश के नहीं ये मधेश में देश में जितने भी शोषित उत्पीड़ित उपेक्षित जनता है चाहे मधेश के मधेशी हुए आदि थारू हुए मुस्लिम हुए पहाड़ के आदिवासी जनजाति हुए शेरपा हुए लिंबू हुए तमाम के मुक्ति के कार्य दिशा मार्ग दर्शन लेके हम सबके महाधिवेशन होते वही के तैयारी के तहत बहुत बड़का आगाज के साथ हम सब बड़का जन विद्रोह के तैयारी में के बाद निष्कर्ष में कहा जाए तो संविधान संशोधन अगर नहीं होते तो अधिवेशन के बाद मतलब बैसाख के बाद जी बैसाख के बाद अहाँ सब समर्थन फिरता लेबे जी के बाद हम सब संघर्ष के तैयारी अहाँ सबके निचोड़ एकदम निचोड़ जी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद दर्शकबिंद वो छलथि संजय कुमार यादव संघीय समाजवादी फोरम नेपाल के प्रदेश नंबर 2 के सांसद तथा केंद्रीय सदस्य आई हुनका सब बात करे छलिए कि संविधान संशोधन में विलंब किया भ रहल छै फोरम नेपाल केंद्र में रहकर की काज कर रहल छै इहे सब विषय में बातचीत करे छलिए व्यस्त नमस्कार।